नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदी ग्रामर में हमने संधि टॉपिक शुरू किया है तो आज ये हमारा संधि से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे तो व्यंजन संधि को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो व्यंजन संधि है वो होती क्या है इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपने को रीड कर लेनी है ठीक है एग्जाम में वैसे खासतौर पर डेफिनेशन तो बहुत रेयर पूछी जाती है लेकिन फिर भी आपने ये इसको नजरअंदाज नहीं करना है ठीक है तो क्या है हमारी डेफिनेशन देखेंगे और परिभाषा व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से ठीक है व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर उस व्यंजन में मतलब जिसके बाद कोई व्यंजन या स्वर आएगा उस व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं ठीक है इतना सा क्लियर हो गया आपको तो इसके हमारे कम से कम सात नियम हैं ठीक है सात नियम है कोई भी डिफिकल्टी नहीं है बिल्कुल इजी नियम है और जो नियम बुक में दिए हैं उनसे भी मैंने इजी बनाने की कोशिश की है कि ताकि आप इन सात नियमों को एक बार पढ़ें तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े ठीक है बिल्कुल इजी वे से करवाने की कोशिश की है तो सबसे पहला नियम आप देखेंगे तो सबसे पहला नियम है हमारा पहला वर्ण तीसरे वर्ण में जब आप देखोगे ना संधि संधि या संधि विच्छेद उसमें जब भी संधि शब्द जो होता है उसको जब हम विच्छेद करते हैं ना तो दो सार्थक शब्द जो है वो बन जाते हैं अलग अलग से ठीक है तो देखो अब पहला वर्ण वर्ण का मतलब क्या होता है इसमें देखो सबसे पहले ना संधि है हमारा तो उसमें आपको वर्णमाला आना बहुत जरूरी है ठीक है वर्णमाला में क्या है कि आपको पता चलेगा कि जो पहला वर्ण है हमारा वो क्या होता है हमारा पहला वर्ण ठीक है तो पहला वर्ण में क्या है जो कवर्ग होता है तो कवर्ग का पहला वर्ण क्या है हमारा क ठीक का ट आ जाएगा वैसे पवर्ग का प आ जाएगा तो उस पहले वर्ण की बात की जा रही है तो पहला वर्ण किस में कन्वर्ट होगा हमारा तीसरे में यहां पे क्या याद रखना है पहला वर्ण तीसरे में कन्वर्ट होगा मतलब आपका ठीक है इसके बाद आपने देखना है कि जैसे क है क वर्ग गया आपको तो अब इसका तीसरा वर्ण कौन सा है क ख ग तो गो में कन्वर्ट होगा च जो में कन्वर्ट होगा ये तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ा वो लगता है कॉम्प्लिकेटेड सा कि क्या कौन याद रखेगा क ग च जो ट ड में त तो, में, तो, में, में ये याद नहीं रखना आपने सिर्फ याद रखना है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है क्लियर हो गया इतना चलो अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको उदाहरण फर्स्ट देखेंगे अब देखते चलेंगे सभी को मैंने ना एक एक उदाहरण दिया है और सेम सेम चीजें थी तो इसलिए मैंने बड़े ज्यादा उदाहरण नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे आ, अलग कोई कुछ नहीं मिला जो भी मुझे अलग अलग मिले वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं लेकिन जो अलग नहीं थे तो वो लिखने का भी यहाँ कोई मतलब नहीं था क्योंकि उदाहरण तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो नेट पे जाके व्यंजन संधि के उदाहरण लाखों करोड़ों के हिसाब से आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने वही उदाहरण लिखे हैं जिससे आपको समझ आ जाए नियम की मैम क्या करवाना चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं क्लियर है आगे देखेंगे दिक्क जमा दर्शन अब देखो हमारा क है तो हमारा नियम क्या बोलता है कि क जो है कौन से वर्ग का पहला वर्ण है क वर्ग का पहला वर्ण है जो परिवर्तित होगा हमारे तीसरे वर्ण में तो क ख ग तो को सीधा परिवर्तित हो जाएगा ग में ये देखो अब देखो संधि और संधि विच्छेद वैसे तो अलग टॉपिक है लेकिन जब हम संधि का टॉपिक क्लियर करते हैं ना तो संधि और संधि विच्छेद जो है वो आपको दोनों जो है अगर आपने संधि कर ली तो विच्छेद आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है संधि विच्छेद क्लियर कर लिया तो आपको संधि करना भी आ जाएगा क्योंकि दोनों के नियम एक ही चलते हैं तो आपने अब देखना है यहाँ पर जैसे माना आपको दिग्दर्शन का विच्छेद आ गया करने तो अब यहाँ पे तो मैंने बताया है आपको कि पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है तो दिग्ध दर्शन का अगर आपको आ जाता है संधि करना तो तो आपने यहां से थोड़ा सा मतलब ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है ना कि देखो ये ग है तो हमारा पहला वर्ण जो अब परिवर्तित हुआ तो मतलब ये हमारी व्यंजन संधि है जो हमारा पहला नियम काम करता है कि पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा तो क है तब तो हमने सीधा लिख दिया यहाँ पर क की जगह क्या ग ग अब यहां पर आधा क्यों आया पूरा क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क हलंत है हमारा नंबर दो देखेंगे अच जमा अंत तो ये देखिए अब ये च वर्ण है तो इसका हमारा थर्ड वर्ण क्या है ज तो क्या आ गया हमारा अजंत शट ट तो का थर्ड वन है ठीक है इसी तरह जे, आपने ये नियम देखने इस नियम को पढ़कर हजारों उदाहरण आप प्रैक्टिस कर सकते हो इससे ठीक है अब देखो शर्ट है तो ट तो जमा दर, दर्शन शर्ट दर्शन उत जमा गम उदगम तो तो जो है तो जमा गम तो उदगम तो परिवर्तित हो गया द में क्यों क्योंकि हमारा ये व्यंजन संधि का पहला नियम है कि पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है ठीक है क्लियर हो गया आप जैसे जैसे उदाहरण की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये नियम जो है पूरी तरह से क्या है पक्के हो जाते हैं ये भूलते नहीं है फिर नेक्स्ट देखो पांचवा वर्ण जो वो पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है अब पांचवा यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे जो पांचवा वर्ण होता है ना हमारा वो नासिकी व्यंजन होते हैं एक तरह से ठीक है सारे तो वो जो है किस में परिवर्तित हो जाते हैं पहले वर्ण में नासिकी व्यंजन कौन सा होता है जिनमें अनुस्वार आते ऊपर नाक से जो उच्चारित किए जाते हैं ठीक है उन्हीं को नासिकी व्यंजन बोलते हैं मतलब हर वर्ग का लास्ट वर्ण जो होता है ठीक है अब देखो अंगो क में परिवर्तित हो जाएगा नो चो में जो भी है ये नासिके हमारे देखो ये सारे पहले में परिवर्तित हो जाएंगे ये देखो जैसे वान में तो अंगो है तो इस ये किस वर्ण में आता है ये आपने देखना है ये आता है हमारे क में कवर्ग में आता है ना क ख घ आता है ना तो ये अ जो पहले वर्ण में चेंज हो गया अनो ये ट वर्ग में आता है तो ये ट तो में परिवर्तित हो गया हमारा ठीक है वैसे ही हमारा न किस में आता है त तो वर्ण में त तो, थ द ध न ठीक है तो न परिवर्तित हो गया हमारा तो में इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल है आपके पर कुछ अलग नहीं थे इसलिए मैंने ये तीन चार ही लिखे हैं कि ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए कि नियम कैसे अप्लाई होते हैं कि कैसे इनको याद रखना है क्या ट्रिक होते हैं इनको याद रखने के ठीक है सीधा सिंपल याद रखना है आपने कि पांचवा वर्ण जो है वो पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है हमारा इत, यहां तक हो गया नेक्स्ट करें नंबर थर्ड नियम है इसका ध्यान से देखेंगे ये नियम अब हमारा हरिस्व स्वर और दीर्घ स्वर प्लस छ इज इक्वल टू च हल अब देखो जब आपका हरिस्व स्वर दीर्घ स्वर क्या होते हैं हरीश्व जिनको कम समय लगता है बोलने में और दीर्घ जिनको ज्यादा समय लगता है हमें जब उच्चारण करते हैं उन स्वरों को ठीक है उनको कहते हैं दीर्घ स्वर तो कहते हैं हरिस्व स्वर हो दीर्घ स्वर हो उसके बाद जो छ आता है ना उसके बाद छ आता है वो किस में परिवर्तित तो हो उसके आगे क्या लग जाता है मतलब तो वो आधा च लग जाता है उसके आगे कैसे देखो स्व जमा छंद ठीक है क्या आ गया आपका स्व जमा छंद अब आपने क्या है सीधा जो है वो छ के आगे जो है आधा च लगा देना है आपने क्यों अब आप देखो बोला हरिस्व या दीर्घ स्वर तो वो जो है ना यहाँ पर वो कैसे बनता है हमारा व बनता है वो हलंत जमा अ ठीक है तो अ आ गया हमारा यहां ठीक है तो क्या बोला है भी है दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आए तो हमारा यहाँ पर आ गया अ स्वर तो अ के आगे क्या आ गया हमारा छ तो क्या बोला अ की जगह अब यहाँ पर हमारा क्या जाएगा छ के आगे आधा च ठीक है यहां पे ये नहीं सोचना कि वो ये तो व्यंजन आ गया इसके आगे कैसे हमारा आधा चो लग सकता है आधा चो लगने की बात तो तब कही गई है जब या दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो उनके बीच में आधा चो लगता है लेकिन आपने ध्यान रखना है कि व जो है व्यंजन तो है लेकिन ये कैसे बनता है लास्ट में साउंड क्या आती है इसकी ठीक है ये चीज आपने याद रखनी है परिच्छेद अभर व्यंजन है लेकिन इसके साथ मात्रा लगी है छोटी की तो हमारी साउंड आ रही है तो छो च अनु ऊ है हमारा ठीक है तो इसके आगे क्या लग जाएगा फिर से हमारा के आगे अनुच्छेद ठीक है बहुत इजी है ये नियम छ के आगे हमेशा आधा च आता है अगर उसके पहले क्या है हमारा या दीर्घ स्वर आ रहा होता है तो ठीक है तीन नियम हो गए हमारे अब त्वर्ग संबंधी नियम देखेंगे इसमें पता क्या है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पर नियम था बुक का वो मैंने नहीं लिखा है मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है यहाँ पर जो आपने ध्यान रखनी और अधिकतर जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है किस नियम से बहुत नियम है इसके त्वर्ग संबंधी के लेकिन ये जो है इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अब आपने देखो ध्यान से सुनेंगे जैसे अब आपने क्या करना है कि जैसे ध्यान देना है तो तवर्क से संबंधित है ना ये तो हर इसमें आपका त तो, तो आता है ठीक है जहां पे आपका ये तो है ना तो हलंत आ गया जिस भी शब्द में तो उसमें आपने देख लेना कि उसके जो आगे वाला वर्ण होगा ना आपका ये वर्ण ये सारे ठीक है ये जो होते हैं हमारे ये ठीक है ये जो क्या है इनके आगे ना यही वर्ण आधे भी लग जाते हैं यही वर्ण आधे लगते हैं कैसे तो हलंत है उत्त जमलास तो तो के आगे लो है तो लो से पहले आधा लो लगेगा हमारा उल्लास। तो के आगे चो है तो चो। क्या बोला नामने? कि तो है, तो है इसके आगे जो भी हमारा आएगा वर्ण वो पहले आधा लगेगा फिर वो पूरा आएगा ठीक है जमा चरित्र स आधा चो पूरा चो आया ना इसके आगे पहले आधा आ गया फिर ये पूरा आ गया जगत छाया अब देखो छ का हमने एक नियम पढ़ा ऊपर क्या पढ़ा कि छ के आगे जो है वो आधा च लगता है तो यहाँ पे वो नियम हर जगह चलेगा आपका वो नियम ठीक है इसीलिए त तो के आगे छ था तो हमने आधा छ क्यों नहीं लगाया क्योंकि छ एक अपना नियम रखता है जो छ में च में परिवर्तित हो जाता है वो आधा च आ जाता है छ के आगे इसीलिए इधर छ के आगे आधा च आया हमारा विपत जमा जाल विप जाल ठीक है जो के आगे फिर क्या आ गया आधा तो आधा तो है तो आधा तो किस में कन्वर्ट हो गया जो पहले वाला आगे वाला वर्ण है वो आधा हो गया हमारा सत्यम जन स आधा ज पुर ज न ये वर्ण देखना है आपने और तो हलंत इस वर्ण के सारे ये आधे पहले लग जाएंगे उसके बाद पूरा आ जाएगा वो ठीक है वर्ग में आपने यही एक नियम जो है वो याद रखना है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट देखेंगे नंबर पांच नियम है मैं हमारा इसमें भी देखो ऐसे लिखा है वैसे तो री इक्वल टू अन आपने सिर्फ याद रखना है जो न से नल होता है ना में परिवर्तित हो जाता है नो यो कौन सा ये वाला ठीक है अब ये क ख ग घ च च ज झ ण ट ठ ड क्या अन होते, होते हैं तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सी जा रही है हमारी ठीक है तो यहां पर क्या है हमारा अन आ जाएगा ये कैसे आएगा अब देखो जमा नाम तो हमें बताया गया है कि न जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा सारा अनव में परिवर्तित हो जाएगा कैसे जमा नाम हर जमा न न आ गया नौ में हरण विष्णु आगे क्या आ गया न किसमें परिवर्तित हो गया हमारा अनव में ठीक है विष्णु मतलब न के ही देखिएगा आपको वो न खाली इसमें परिवर्तित हो जाएगा आपका ठीक है ये बहुत इजी नियम है व्यंजन संधि जो है वो बहुत इजी है अगर आप विद नियम उसको करेंगे समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है ये ठीक है आगे देखो म है तो म किसमें परिवर्तित होगा ये है ये जो है ये मेरे मतलब खुद नियम बनाए हुए हैं क्योंकि बुक में जो है वो आपको बहुत लंबे चौड़े मिलेंगे और उनका मतलब लास्ट में निकलता यही है इसीलिए जितना हो सका मैंने आसान भाषा में और बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है यहाँ पे ठीक है तो म जो है हमारा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा नासिके नासिके क्या मतलब अनु सिर्फ अनुस्वार में ये परिवर्तित हो जाएगा बिंदी में मतलब ठीक है कैसे अब देखो सम जमा काल ये म से संबंधी नियम है आपका म सम जमा कलन संकलन मो आप अब यहाँ पर जो ये आपके मोह मो है ना सारे बिंदी के रूप में चले जाएंगे ऊपर देखो सम जमा कलन संकलन जमा विधान संविधान सम जमा योग संयोग ठीक है कई बार होता है ना हमें कि जैसे लगता है कि संयोग का संधि विच्छेद आ जाता है आपको करने ठीक है तो बहुत सारे जो है कई बार लिखा होता है कि सन जमा योग सन्यासी सन का आ जाता है जैसे तो ठीक है सम तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि न लिखें या न लिखें या म लेकिन बिंदी तो हमारी साउंड देती है न की संविधान न की हल्की सी सौ देती है तो वहां पे थोड़ा सा डाउट होता है कि न लिखे या म तो आपका जो ये बिंदी होती है ना म में परिवर्तित होती है हमेशा ये तो आपने म हलंत ही बिना सोचे समझे टिक करना है वहां पे ठीक है तो कैसे आ गया हमारा देखो सम जमा कलन संकलन सम जमा विधान संविधान सम जमा योग संयोग ठीक है ये थे हमारे सिक्स नियम लास्ट वाला नियम देखेंगे जो है हमारा स से संबंधित स से उससे संबंधित ये भी बहुत इजी है जहां भी आपको से शब्द दिखेगा वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा श से षटकोण में ठीक है से शटकोन में वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे अभिषेक देखो अभि अभिजमा से सम विषम सु जमा समा क्या जाएगा सुषमा ठीक है आगे समझ कि जहां भी आपको स लगेगा ना यहां पर और जैसे अभिषेक की आगे, आगे आपको संधि करना तो उसका उल्टा कर देना आपने कि श जो है वो किसमें परिवर्तित होता है आपका स में तो अभि जमा सेक अभिषेक ठीक है ये थी हमारी व्यंजन संधि जो बड़े जैसे उसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसकी विद उदाहरण विद ट्रिक और व्याकरण के नियमों से तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ठीक है और आजकल जो अधिकतर पूछे जा रहे हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि निम्न में से जो शब्द दिए हैं कौन सी संधि है स्वर संधि है ठीक है व्यंजन संधि तो आपको इनको पहचानने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए इन नियमों को आप अच्छे से पढ़ो फिर से देखो फिर आप बार बार उदाहरण प्रैक्टिस करो अब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिखना पॉसिबल नहीं होता इसीलिए चार से पाँच पाँच एक एक के उदाहरण दिए हैं आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा उदाहरण देखोगे आप ठीक है दो तो आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आते संधि संधि को मोस्ट डिफिकल्ट थोड़ा टॉप टॉपिक माना जाता है लेकिन ऐसा नहीं है संधि बहुत ईजी है स्वर और व्यंज ये दोनों संधियाँ ही चाहे संधि है विसर्ग है सारी संधियाँ जो है बहुत ईजी संधि है ठीक है तो ये था हमारा संधि का टॉपिक जो इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होता है बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर